मैंने कहा भैया नमस्कार आओ। लेकिन वहां वो जो टीचर मिले एम्पति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब नहीं है वो भाई साहब। मैंने उस आदमी की क्लास कभी नहीं छोड़ी। वो बंदा नाचता रहता था क्लास में, छह फीट हाइट रही होगी, सांवला सा रंग था उनका, और वो आदमी नाचता रहता था, गाता रहता था, और लड़कों को तो ऐसे मोटिवेट कर देता था। ऐसे बैठो लड़की भागे क्या? नहीं नहीं सर, है नहीं। अच्छा है नहीं, सब मिलवाते तुमको, आओ यूनिवर्सिटी। तो उनसे मैंने कुछ नहीं देखी, उनकी पूरी क्लास भरी होती थी। एक साहब फिजिक्स पढ़ाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। कभी किसी का नाम अगर तुम बढ़ा नहीं सकते हो तो उसको बदनामी मत दो, चाहे उसने तुम्हारा जितना भी नुकसान किया हो, कुछ चीजें मत किया करो। तो वो बोलते थे क्लास में आते ही पहले दिन बोले, हमारी कॉपी में नहीं लाएगा उसको मैं मारूंगा। काहे मारोगे? हाँ अब्बा नहीं मारा जीवन में, तुम काहे मारो। तो दूसरे दिन गए तो वो कॉपी बोले, हमारी कॉपी लाओ। तो वही चार लोग जो पढ़ने वाले थे आ जाए कि गुरु जी हम तो नहीं लाए। कहे तो प्रसाद मिलेगा, हम लोग उठे होंगे जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हो, प्रसाद लेके जाओ। हमने कहा अपने बच्चे को देना। प्रसाद दे रहे हैं। भागते हुए गए तो के यहाँ तो उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, बोले इनको रेस्टिकेट करो नहीं तो मैं नहीं पढ़ा। हमने कहा सर कर दो। तो समझौता हुआ कि अच्छा ऐसा करो, बैच चेंज कर लो। तो टीचर का मतलब ये है ना कि तुम इस तरह से बाध्य कर दो। अभी देखो तुम कितने सारे टीचर हैं जिनको ना पढ़ने वाले भी देखते हैं। आज तुम देखो YouTube, भाई आउटलुक ने क्या किया? यही तो किया। पहली बार इस देश के शिक्षा को दीनहीन माना जाता था। पहली बार जो है उन्होंने कहा कि आपने तो बॉलीवुड के स्टारों को पीछे छोड़ दिया। टीचर समाज की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप नेशनल मैगजीन के फ्रंट पेज पे हो। नेशनल मैगजीन जहाँ राजनेता होते थे, जहाँ बॉलीवुड के स्टार होते थे, वहाँ आप बैठे हो। उसकी वजह ये है कि ये जो टीचर, जितने भी टीचर और भी हैं, ऐसा नहीं चारों को तो मौका मिला, और भी हैं जिनको सिर्फ स्टूडेंट नहीं देखते, नॉन स्टूडेंट लोग भी देखते हैं। मैं तो ऐसे भाई कई बार जब ट्रेवल करता हूँ तो लोगों से मिल जाता हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आर्मी में है। मैं आगरा आ रहा था, एक तेल भरा रहा था, एक साहब मिल गए आर्मी से थे। ओझा जी नमस्कार। मैंने कहा भाई सर नमस्कार। बोले मैं आर्मी में हूँ। अब बोली मैं आपको सुनता हूँ, मुझे मजा बहुत। तो मैंने फिर उनको तुरंत धन्यवाद दिया। और तो ये जो है ये उपलब्धि है हम लोगों की। तो ऐसा नहीं है। और एक जिस बहुत सारे आप अब तो सबसे बड़ा तुम्हारे साथ सुविधा क्या है, इकोनॉमी नहीं समझ में आई है तो फ्री के लेक्चर्स पढ़ोगे मैं किसी टीचर के। ज्योग्राफी नहीं समझ में आई है, फ्री के लेक्चर्स पढ़े। पढ़ने का तरीका सीखो। तो सभी में पूछ रूप से इस स्प्लिट किस कमीशन की वजह से हुआ था तो तुम में से कोई ना बता पाएगा, चाहे 5 साल से तैयारी कर रहे होगे। अब मैं पूछ लूं कि सूरत की जो स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन, वो किस कमीशन की वजह से हुआ था? कोई नहीं बता पाएगा यहाँ जितने लोग खड़े हो। यही तुम्हारी कमी है, इसीलिए तो तुम डिपेंडेंट होते चले गए। 1905 में सूरत स्प्लिट हुआ ना, सूरत विभाजन, किस कमीशन की वजह से हुआ? सोचो, तुमको पता ही नहीं। तभी तो तुमको भड़काना आसान है। क्यों भी कहानी लिख के YouTube पे फॉरवर्ड करते जाओ, इसको आगे बढ़ाते रहो। समाज का मामला है, हमारी जाति का मामला है, हमारी धर्म का मामला है, तुमको कुछ पता ही नहीं। आजादी की सबसे पहली मांग किसने की? हजरत मोहानी ने, मुसलमान है। घर में लड़ाई नहीं होती, भाई भाई में नहीं होती, तो भाई से कह दो कि तू पाकिस्तान चला जाओ। लड़ाइयां तो सब जगह होती है। देखो इतने लोग खड़े, किसी को नहीं पता। सर एक मूवमेंट चला, 50 सवाल हमसे पूछे, एक हम पूछ रहे, सन्नाटा छा गया तुम में, और तुम्हारे ही कोर से पूछे। सर एक मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, है? सर एक मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, अंग्रेजों ने उसी को ब्रेक करने के लिए विभाजन का कार्य लाया। कौन से कमीशन था जिस कमीशन ने विभाजन कराया? कौन सी संस्था थी जिसने मूवमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ाया बंगाल में? कौन सी बंगाल की संस्था थी जो स्वदेशी आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बन गई?
उस कमीशन का नाम था अरुणडेल कमीशन 1905 में बागनाल विभाजन को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। उस जब वो कमीशन बनाई गई तब मॉडरेट लीडरों ने कहा, बुजुर्गों ने, कि देखा हमने आवाज उठाई, सरकार ने हमारी बात सुनी है, तो अब हम आंदोलन को रोक देंगे। तो नवयुवकों ने कहा, एक्सट्रीमिस्टों ने, कि नहीं, ये कमीशन हमारे द्वारा उठाए गए कदम का परिणाम है, हम आंदोलन बढ़ाएंगे, पूरे भारत में ले जाएंगे। वहीं पे तो मतभेद पैदा हो गया, उसी में वो फिर हो गया कि जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी। 1906 में मॉडरेट ने गेम खेल दिया, एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जिसकी सभी इज्जत करते थे, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने एक्सट्रीमिस्टों से कहा कि यार तुम्हारे मुद्दे को अगले साल देख लेंगे, यार काहे परेशान हो रहे हो, एक साल तो सरकार को मौका दो, दे दिया। 1907 में फिर मॉडरेट प्रेसिडेंट हो गए आनंद मोहन घोष। ये सब रटने की बात थोड़ी है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो स्पाइन बना स्वदेशी मूवमेंट की? स्वदेश बांधव समिति, बड़ा फेमस आदमी है वो, क्या नाम है उसके संस्थापक का,